सारेगामापा के बहुत बड़े कामयाबी को हासिल करने के बाद आज अपने गांव पहुंचे हैं। आइए जय झा से पूछते हैं, ये दूरी उन्होंने कैसे तय किया? जय झा जी, आप जो अपना पहला ऑडिशन देने के लिए सारेगामापा में पहुंचे, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हाँ, सबसे पहले तो आप लोग का धन्यवाद कि आप मुझे इस लायक समझे कि मैं ये चीज़ बता सकूं। और जैसे सारेगामापा का ऑडिशन तो आता है, हर साल आता है। जैसे इस गांव में मुझे ये चीज़ पता करने में भी बहुत टाइम लग गया कि कैसे ऑडिशन प्रोसेस आखिर कैसे होता है। तो ये चीज़ मुझे लगभग 3 साल पहले पता लगी कि ऑडिशन ऐसे ऐसे दिया जाता है। मैं 3 साल से कोशिश कर रहा था इस चीज़ का, तो इस बार जाके महादेव के आशीर्वाद, माँ बाप के आशीर्वाद से ये चीज़ थोड़ा बहुत हासिल हुआ मुझे। तो वो चीज़ सफ़र कुछ अलग ही है। और वहाँ पे जो जाने के बाद लोग जिनको टीवी पे हमेशा देखते थे, उनको सामने से देख रहे हैं, तो पहले तो यकीन करना मेरे लिए मुश्किल थी। और ऐसा था कि बहुत ज्यादा यकीन, पहले तो यकीन ही नहीं होता था मुझे। ऐसे में ऐसे ऐसे चीटी काट काट कर देखता था, ताकि मैं ऐसा नहीं कि मैं सोया हुआ हूँ, सपना देख रहा हूँ, इस टाइप से मुझे लगता था। क्योंकि इस जहाँ से लक्ष्य की हाँ प्राप्ति में बहुत सारी बाधाओं को टपते हुए आप आगे बढ़े होंगे, जी, क्या-क्या बाधाओं का सामना करना पड़ा? जैसे सबसे पहले तो ये रहता है कि म्यूजिक में करियर बनाने के लिए सबसे पहले आप में गट्स चाहिए। क्योंकि लोगों का बोलना या फिर ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा होता है इसमें। क्योंकि अभी भी गांव में जितने भी लोग हैं, सब जितने भी गांव में या फिर हमारे और जितने भी लोग हैं, सबको लगता है कि म्यूज़िक में कुछ करियर नहीं है। तो इस चीज़ को मुझे प्रूव करना था और मुझे बताना था कि नहीं, इसमें भी अगर आप मेहनत करते हैं तो आप कर सकते हैं। संगीत की प्रारंभिक शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त की? मेरे पिताजी से, आपके सबसे पिताजी हाँ भी पिताजी संगीत से। के शिक्षक हाँ हैं। जी, हाँ जी। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए आप कहाँ गए? उच्च शिक्षा के लिए मेरे पापा जी सबसे पहले मुझे थोड़ा बहुत सिखाना शुरू किए। लेकिन मेरे पापा जी उच्च बहुत ज़्यादा जानकार नहीं है संगीत के, जिसके कारण फिर सोहन झा जी गुरु जी, फिर रमन झा जी गुरु जी, इन लोगों के पास मैंने यहाँ पे सीखा लगभग 3 साल तक। उसके बाद मुझे और ज़रूरत जब ऐसा लगा तो मेरा 10th कंप्लीट हुआ, उसके बाद बनारस में श्री आदित्य विजय भंडारी गुरु जी के पास मैं बनारस भी अभी, गए। हाँ जी, मैं अभी सीख रहा हूँ। आज के समय में आप एक इतिहास रचने वाले युवक में से एक हैं। आप अपने सहपाठियों को, जिसके साथ आपने अभी तक पढ़ा लिखा, क्रिकेट खेला, बॉल खेला, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों के लिए तो ऐसा है कि जो सब चीज़ जिंदगी तो ऐसी है कि पहले मेरे हिसाब से वो चीज़ तो पढ़ना लिखना या म्यूजिक करना, वो सिर्फ भगवान पहले हम लोग को इंसान बनाए, अच्छा इंसान बनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका, आपके माँ बाप जो आपको संस्कार देते हैं, वो आपके हर काम में दिखता है। यानी मंजिल तो पर, मंजिल को हाँ, हासिल करना। हासिल करना, वो मेहनत तो जो करेगा उसको मिलेगा। जैसे एक हमारे संगीत में ऐसा है कि रियाज करो राज करो, तो इस टाइप से है कि मेहनत करोगे तो मिलेगी चलिए, मंजिल। ये पिता का ये थे धन्यवाद। जय झा जी, गांव कबेला रहुआ, जिला सहरसा, जिनसे आपकी मुलाकात हुई, बात हुई। मैं शशि मिश्रा, कशिश न्यूज़, सहरसा।